वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक जबरदस्त एनिमेटेड थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेके, जिसका नाम है पेरोनिया एजेंट, जो कि एक जापानीज एनिमे सीरीज है और इस सीरीज को आईएमडीबी पे 8 की रेटिंग मिली है। तो आज हम इस वीडियो में 6 एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं लोगों की बिजी लाइफ को। सभी लोग अपने काम में बिजी हैं और काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो रोड पर कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। फिर वो ओल्ड मैन एक बस में जा रही लड़की को देखता है और इसे देखकर वो लड़की डर जाती है, लेकिन असल में वो उस लड़की को नहीं बल्कि बस के पीछे की दीवार को देख रहा था, जिस पर लिखा था लिल स्लगर आ गया है। अब हम देखते हैं उसी बस वाली लड़की को, जिसका नाम सुकिको सागी है और वो कैरेक्टर डिज़ाइनर है। वो MNF कंपनी में काम करती है। उसका एक कैरेक्टर मैरोमी काफ़ी पॉपुलर है। अभी उसका बॉस उसे नया और यूनिक कैरेक्टर का डिमांड कर रहा था, लेकिन सुकिको कोई नया कैरेक्टर बन ही नहीं पा रहा था। उसके बॉस उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और ये देखकर उसके कलीग्स को जलन होती है। अब सुकिको ऑफिस में वापस घर जा रही होती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। उसे देखकर सुकिको डर जाती है और भागने लगती है। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो औरत गायब रहती है। ये देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है और भागते भागते गिर जाती है, जिससे उसके सारे स्केच ज़मीन पर फैल जाते हैं। वो स्केचेस को उठा रही होती है कि उसके पीछे से एक अननोन लड़का उसे बेसबॉल बैट से मारता है। अब सीन सुबह में शिफ्ट हो जाता है। हम सुकिको को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे मिलने उनका बॉस हॉस्पिटल आया है और सुकिको की रूम नंबर 510 में एंटर करता है। सारे न्यूज़ चैनल पर सुकिको का ही न्यूज़ दिखाया जा रहा था। फिर सुकिको रूम में दो इन्वेस्टिगेटर्स कीची इकारी और मित्सुहुरी मिनीवा इन्वेस्टिगेट करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में। सुकिको उन्हें बताती है कि वो एक प्राइमरी स्कूल का लड़का था और उसके पास स्केटबोर्ड और मेटल बैट था। इन्वेस्टिगेटर्स उसे और बताने को कहते हैं, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बता पाती है। अब हम एक रिपोर्टर एक्यो कवाजुई को देखते हैं, जो उसी इक्वेशन वाले बूढ़े आदमी के सामने माफ़ी मांग रहा था। और उस बूढ़े आदमी के साथ एक और आदमी था जो कवाजू को डांट रहा होता है। शायद कवाजू ने उस बूढ़े को कोई चोट पहुंचाई होगी। कवाजू उस सुकिको से मिलने उसके रूम के पास जाता है, जहां उसे वही इन्वेस्टिगेटर्स मिलते हैं जो उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स में से मानेवा को सुकिको के बात पर भरोसा होता है, लेकिन कीची उस पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें पता चलता है कि ऐसा ही केस पहले भी हो चुका है। उनके पास केस से रिलेटेड एक स्केच भी होता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी के इक्वेशन का आंसर नंबर 510 होता है और सुकिको का रूम नंबर भी 510 था। अब कवाजू सुकिको के बारे में जानकारी इंटरनेट से ले रहा होता है। इधर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स उस स्केच की मदद से कल्प्रिट को ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें एक आदमी से एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चलता है, जो उस इंसिडेंट के बाद से गायब थी। वो दोनों उस बूढ़ी के ठिकाने पर जाते हैं, जहाँ उन्हें कवाजू मिलता है जो उसी औरत को ढूंढने आया था। उन्हें उस बूढ़ी औरत के कल्प्रिट होने का शक था, क्योंकि उस औरत का हाइट प्राइमरी स्कूल के बच्चे के बराबर था। अब हम सुकिको के देखते हैं, जो लैपटॉप में लोगों के कमेंट्स को देखकर उदास होती है। फिर उसके हाथ से मोरोमी नीचे गिर जाता है। तब मोरोमी, जो कि कुत्ता होता है, सुकिको को कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह सुकिको की एक आवाज़ उसे मिलता है और उसे बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला है कि उसके कलीग्स उसे पसंद नहीं करते हैं। फिर सुकिको इन्वेस्टिगेटर से मिलती है और उन्हें बताती है कि कल्प्रिट ने कैप पहना हुआ था और उसका बैट मुड़ा हुआ था। उस रात को सुकिको घर जा रही होती है और उसका पीछा कवाजू कर रहा होता है। उसे देखकर सुकिको डर जाती है और भागने लगती है। भागते हुए उसका हैंकी वहीं गिर जाता है, जिसे कवाजू उठा लेता है। तभी मिस्टीरियस बॉय कवाजू पर हमला कर देता है और सुकिको को हेलो बोलकर चला जाता है। ये सब देखकर सुकिको काफ़ी डर जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में कवाजू के इंसिडेंट की खबर आती है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक लड़के को रोड पर स्केटिंग करते हुए देखते हैं, जिसका नाम यूची टायरा होता है और लोग उसे इची बुलाते हैं। वो एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा था और लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन जब से सुकिको वाला इंसिडेंट हुआ था, तब से इची के पेरेंट्स की वजह से उसके स्कूलमेट्स उसे कल्प्रिट समझ रहे हैं। इची स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर देखकर इमेजिन कर रहा होता है कि वो प्रेसिडेंट बन चुका है। तभी उसके फोटो के बगल में उसे सोगो योशियामा की फोटो दिखती है, जिसे लोग यूची भी कहते हैं। यूची मोटा था और एकेडमिक्स के अलावा किसी में अच्छा नहीं था। इची यूची को उसे कम्पीट करने के लायक नहीं समझता है। इची को लगता है कि उसके खिलाफ सारी अफवाह उसी ने ही फैलाई होगी, कि तभी उस यूसी आया है और स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए इची को लग विश करता है। अगले सीन में दोनों इन्वेस्टिगेटर्स सुकिको के कवाजू के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। वो उसे अटैकर के बारे में पूछते हैं, पर सुकिको कुछ नहीं बता रही थी।
तो कीची मारोमी ने उस अटैकर के बारे में पूछते हैं तो सुकी को कवाजू की हालत पूछने लगती है। अगले सीन में इची स्कूल में होता है और सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और यूसी को स्कूल में उसका पोजीशन लेते देखकर वो काफ़ी गुस्से में होता है। अब इची घर आता है जहां हम हारूमी चानो को देखते हैं जो इची के प्राइवेट ट्यूटर होते हैं। वो स्कूल में अपने हाल के बारे में मिस हारूमी को बता रहा होता है। अब हमें इची के मॉम से पता चलता है कि नेक्स्ट संडे इची का बर्थडे है। मिस हारूमी इची से पूछती हैं कि क्या वो उसके टीचर से बात करे, तो इची मना कर देता है। वो इस इशू को खुद सॉल्व करना चाह रहा था। अगले दिन स्कूल में इची यूसी को बुलाता है और काफी गुस्से में पूछता है कि उसके खिलाफ सारे रूमर्स क्या उसने फैलाए हैं। ये इंसिडेंट कोई पीछे से कैमरा में कैप्चर कर रहा होता है। क्लास में पढ़ते वक्त सभी के मोबाइल का एक साथ नोटिफिकेशन साउंड बजता है और सभी के मोबाइल में यूसी और इची के इंसिडेंट वाला फोटो होता है जिसमें इची यूसी को मारते हुए दिखता है। इची को यह हरकत भी यूसी का ही किया हुआ लगता है। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स हर घर में स्केच के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। पूरे शहर में इसी सुनैन बात के बारे में बातें हो रही थी। इन सारे इंसिडेंट से इची काफ़ी दुखी होता है। अब दोनों इन्वेस्टिगेटर्स इची के घर पूछताछ करने आते हैं जिसमें इची को निर्दोष बताते हैं। इची को अब सुकून मिलता है कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई उसे कल्प्रिट नहीं समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ काम करता है। उसके बर्थडे पे भी उसकी मॉम और मिस हारूमी के अलावा कोई नहीं आता है। वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे इंपॉर्टेंस दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए वो काफ़ी उदास होता है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये सोचते हुए वो घर जा रहा था, तभी वहाँ यूसी मिलता है और दोनों साथ में चलते हैं। यूसी से कहता है कि वो उसकी पिछली हरकत पर गुस्सा नहीं है और वो उसका दर्द समझ सकता है क्योंकि उसके पिछले स्कूल में उसे भी बुली किया गया था। यूसी के उसके साथ कंपेयर कर पर इची गुस्सा हो जाता है और यूसी पे सोनन बात के अटैक करने का विश करने लगता है और सोनन बात वाले को पकड़वा कर खुद हीरो बनने के बारे में सोचने लगता है कि तभी यूसी पे सोनन बात का हमला होता है और यूसी वहीं गिर जाता है। इची उस सोनन बात वाले के पीछे भागता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अगले दिन न्यूज़ चैनल पर सुकी को यूसी के हमले वाला न्यूज़ देख रही होती है और मीडिया एंकर को देख सुकी को मारूमी से कहती है कि उसने इसे कहीं देखा है, तो मारूमी कहता है कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है। अब हम देखते हैं यूसी को हॉस्पिटल के बेड पे और दोनों इन्वेस्टिगेटर्स यूसी के पास ही हैं। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो रूम के बाहर वहीं इक्वेशन वाला बूढ़ा दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के बगल से गुजरता है, लेकिन ये दोनों उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। और जब वो कार से निकलते हैं तो अब हम उस बूढ़े को एक और इक्वेशन को देखते हैं जिसका आंसर 1 होता है और हम देखते हैं इसी घर में बैठा हुआ है और स्कूल भी नहीं जा रहा है। उसको लग रहा है कि सभी लोग यूसी के हमले का जिम्मेदार उसे ठहराएंगे क्योंकि वो यूसी से नफरत करता है। आज स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है, फिर भी वो नहीं जा रहा है। वो इमेजिन कर रहा है कि सभी उसे ब्लेम कर रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक सेक्स वर्कर को देखते हैं जिसका नाम मारिया होता है। वो काम कंप्लीट करके वापस घर आती है जहां हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं मिस हारूमी चोनो है। सुबह में हम देखते हैं कि सोनन बात ने इची पे भी अटैक किया और मिस हारूमी इची से मिलने हॉस्पिटल आई हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास है और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। दरअसल उसे मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, मारिया उसके अंदर ही है जिसे सेक्स पसंद है, इसीलिए वो अपने आप को अलग जगह पे अलग सिचुएशन में पाती हैं। मिस हारूमी जीआई कॉलेज में टीचर भी हैं जहां उसके कलीग्स ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया और वो मान भी गई हैं। वो मारिया के सारे सामान को बक्से में पैक कर देती हैं और शादी करके मूव ऑन होना चाहती हैं। अगली सुबह मिस हारूमी और उसके फियांसी बोटिंग कर रहे होते हैं कि तभी मिस हारूमी के मोबाइल पर मारिया के लिए कॉल आता है। वो हैरत करती हैं और उसका पर्सनल नंबर क्लाइंट को किसने दिया है। और वो जब वो घर आती हैं तो देखते हैं कि मारिया का सारा सामान बक्से से बाहर कपबोर्ड में रखा हुआ है। दरअसल उसी ने मारिया बनके सारा सामान निकाला है और उसी के क्लाइंट ने नंबर दिया है। मारिया बनने के बाद मिस हारूमी को कुछ खबर नहीं होता है वो कहाँ है, किस हालात में है। मारिया बहुत गुस्से में है कि उसने उसका सामान क्यों छुपाया। अब हम देखते हैं कि मिस हारूमी की शादी हो चुकी है। मिस हारूमी के डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि मारिया के बारे में उसे अपने पार्टनर को बता देना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस हारूमी इची के पास बैठी और इची को होश आ चुका है। ये सारी बातें उसके पास के इंसिडेंट थे जिसे वो वहाँ बैठी सोच रही होती है। अगला सीन वापस मिस हारूमी के पास में जाता है जहाँ मिस हारूमी मारिया के सारे सामान को गार्बेज पे फेंक देती हैं, लेकिन मारिया उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे मारिया का सामान वापस लाना पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ इची मिस हारूमी को बताता है कि सोनन बात ने उसे आज़ाद कर दिया है और कोई उस कल्प्रिट नहीं बुलाएगा। ये सुनकर मिस हारूमी वापस पास में खो जाती हैं। वो कब मारिया से आज़ाद होगी। मिस हारूमी अब मारिया से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, वो घर के और मारिया के सामान को तोड़ रही हैं। अब हम देखते हैं कि मिस हारूमी रोड पर हैं और उसकी मारिया से झड़प हो रही है। मारिया उसे और पनिश करना चाहती है, तभी मिस हारूमी को इची की याद आती है कि सोनन बात ने उसे आज़ाद किया है और सोनन बात वाला उस पर अटैक कर रहा है।
अगली सुबह मिस हारुमी हॉस्पिटल में दिखती हैं जहाँ उसका पार्टनर उसके पास होता है और इस तरह वो मारिया से आज़ाद हो जाती हैं। वो दोनों इन्वेस्टिगेशन वहीं होते हैं और सोचते हैं कि जिन पर अटैक हुआ है सभी काफ़ी सुकून में दिखते हैं। फिर तभी दोनों इन्वेस्टिगेटर्स उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में कुछ ड्रॉ कर रहे होता है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर मासामी हिरुकावा ने कल्पिट को पकड़ लिया है। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस हारुमी सड़क पर बेहोश पड़ी हैं और अगली सुबह मीडिया में मिस हारुमी के इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही है। फिर हम ऑफिसर मासामी हिरुकावा को देखते हैं जो उन्हीं दोनों इन्वेस्टिगेटर से केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर हिरुकावा अब एक आदमी से मिलते हैं जो प्रोस्टिट्यूट रैकेट चलाता है। मिस्टर हिरुकावा उसे कहते हैं कि मिस हारुमी ने प्रोस्टिट्यूशन रिंग के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसका मतलब इसी ने मिस हारुमी को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला था। मिस्टर हिरुकावा अय्याश किस्म का आदमी था, वो एक नया घर बना रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हिरुकावा को किसी का कॉल आता है जिसका नाम माकावे होता है। वो हिरुकावा से 2 मिलियन येन मांगता है। माकावे गैंगस्टर टाइप आदमी होता है, इसीलिए हिरुकावा डर से पैसे देने को राजी हो जाता है। हिरुकावा चोरी करके 1 मिलियन येन माकावे को देता है, पर अब वो 2 मिलियन येन और मांगता है और सिगरेट से उसके सर को जला देता है। अब हिरुकावा शहर में मास्क मैन बनकर चोरी करने लगा था। पुलिस को भी मास्क मैन की तलाश होती है। न्यूज़ चैनल पे अब मास्क मैन की न्यूज़ चलती है। अब हिरुकावा माकावे से माफ़ी मांगता है कि वो अब ये नहीं कर सकता है, लेकिन माकावे उससे 5 मिलियन येन डिमांड करता है और उसे एक टैबलेट देता है जिससे ये काम करने के लिए हिम्मत मिले। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब हिरुकावा लोगों के घर में धक्का डाल रहा है और उनके पैसे चुरा रहा है। पैसे चुराने के बाद वो पार्क में हंस रहा था तो उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर किएची इकारी मिलते हैं और दोनों बार में जाते हैं। वहाँ मिस्टर किएची हिरुकावा से न्यू जनरेशन के क्राइम और उसके पीछे के मोटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं। बार से निकलने के बाद हिरुकावा घर जा रहा होता है और चोरी करने पर पछता रहा होता है। तभी सोनन बाथ वाला उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हिरुकावा बेहोश नहीं होता है और बोतल से मारकर लड़के को बेहोश कर देता है और उसे बहुत पीटता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कल्पिट के पकड़ने से शहर के लोग बहुत खुश हैं और हिरुकावा फेमस हो गया है। न्यूज़ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सब देखकर मिस्टर केशी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो कल्पिट को पकड़ना चाह रहे थे। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को सोनन बात वाले पूछताछ करते हुए देखते हैं। वो अपना जुर्म कबूल करता है लेकिन अपने आप को होली वॉरियर बताता है और इन्वेस्टिगेटर्स को द होली वॉरियर नाम का बुक दिखाता है। वो कहता है कि उसका मकसद गुमहा को मारना है और उसे गुमहा से रेड लाइट की वाइब दिखती है और वही रेड लाइट उसे उशियामा से दिखी जो उसे उसके इमेजिनिंग वर्ल्ड में मॉन्स्टर दिख रहा होता है, इसीलिए उसने युशियामा को हिट किया था। कल्पिट की यह स्टोरी सुनकर मिस्टर किएची बहुत गुस्सा हो जाते हैं और शांत होने के लिए सिगरेट्स पीते हैं। अब वो ईशी के अटैक के बारे में बताता है। वो उसके वर्ल्ड में गोमा का डुप्लीकेट दिख रहा होता है, इसीलिए वो उस मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो ईशी को हिट कर रहा था। अब हम देखते हैं मिस्टर मानीवा लड़के की कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब उसकी कहानी में वो और मानीवा गोमा के ट्रू फॉर्म को ढूंढ रहे होते हैं। अब एक बूढ़ी औरत उन्हें प्रिंसेस के बारे में बताती है जो गोमा का शिकार होने वाली है। असली ज़िंदगी में वो प्रिंसेस मिस हारुमी होती हैं। कहानी में कल्पिट को प्रिंसेस का लोकेशन पता नहीं होता है तो एक मेंढक उसे बताता है और वो प्रिंसेस के पास पहुँचता है। कहानी में कल्पिट के हिसाब से गोमा प्रिंसेस को पकड़ा हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में गोमा की जगह मारिया मिस हारुमी के अंदर होती हैं और इसीलिए उसने मारिया से आज़ाद करने के लिए मिस हारुमी को हिट किया। कहानी में हम देखते हैं कि होली वॉरियर ने प्रिंसेस को बचा लिया है, लेकिन तभी वही बूढ़ी औरत वाली मॉन्स्टर से मार देती है और गेम ओवर। वॉरियर दोबारा खेलना चाहता है और कहता है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने वाला है, लेकिन नहीं जा सका। मानीवा के पूछने पर एक बूढ़ी औरत के बारे में बताता है जो मीजॉर ट्राइब के विलेज में रहती है और वो जानती है कि गोमा क्या है और कहाँ से आया है। अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। वॉरियर दोबारा खेलना चाहता है और कहता है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने वाला था, लेकिन नहीं जा सका। मानीवा के पूछने पर एक बूढ़ी औरत के बारे में बताता है जो मीजॉर ट्राइब के विलेज में रहती है और वो जानती है कि गोमा क्या है और कहाँ से आया है। अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ये सुन मानीवा मिस्टर केची को बाहर एक बूढ़ी औरत के पास ले जाता है जो कि मीजॉर ट्राइब से बिलोंग करती है। वो दोनों अब उस बूढ़ी औरत के सामने खड़े हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान में तूफान आने वाला है, पूरे शहर में हाई अलर्ट है। इधर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स उस बूढ़ी औरत से सुकीको के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो अपने ग्रैंड डॉटर को याद करने लगती है। अब हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम ताइको होता है। लड़के उसे बुली करते हैं तो उसके डैडी उसे बचाते हैं। वो डैडी की दुलारी होती है। इधर मिस्टर किएची उस बूढ़ी की कहानी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और गुस्सा होके जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहती है कि उस रात सुकीको अकेली थी और किसी ने उस पर हमला नहीं किया था। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ताइको बड़ी हो चुकी है और बचपन में उसे अपने घर से प्यार था, लेकिन वो अब अपने घर में नहीं जाना चाहती है कि तभी तूफान आता है, बूढ़ी के झोपड़े को उड़ा देता है। अब दोनों इन्वेस्टिगेटर सब कुछ शुरू से इन्वेस्टिगेट करने का सोचते हैं और सुकीको से पूछताछ करते हैं। इसके पैरेलल हम ताइको के बचपन की कहानी को भी देखते हैं।
काइको जब अपने डैडी को बर्थडे सरप्राइज देना चाह रही होती है कि तभी कंप्यूटर में उसे उसके नेक्ड पिक्चर्स मिलते हैं। ये देखकर वो गुस्सा जाती है और सामान फेंकने लगती है, तो उसे रूम में हिडन कैमरा दिखता है। प्रेजेंट में कहानी शिफ्ट होती है, काइको ब्रिज पर है और तूफान अपने पीक पर होता है कि हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत उसके सामने नदी में बह जाती है और वो उसे नहीं बचा पाती। वो खुद को भी डूबने वाली सिचुएशन में पा रही है, उम्मीद करती है कि कोई उसे बचा ले। इधर मिस्टर केची एक मेटल रॉड सुकिको को दिखाते हैं, लेकिन वो अभी सच नहीं बताती। तो मिस्टर केची सुकिको कहते हैं कि उस रात से पहले वो जब जॉब की टेंशन में थी और प्रोजेक्ट का डेडलाइन नज़दीक आ रहा था, इसीलिए इन सब से बचने के लिए उसने खुद को मेटल रॉड से जख्मी किया और इंसिडेंट का नाटक किया था। वो बूढ़ी औरत इसकी गवाह है। ये सुनकर सुकिको बेहोश हो जाती है, उसकी चोरी पकड़ी जो गई। इधर टाइको को कॉल आता है जिसमें वो किसी से कहती है कि वो सब कुछ बुलाना चाह रही है, खुद को खाली करना चाहती है। तभी उस पर सोनन बात का हमला होता है। फिर हम देखते हैं कि टाइको अपने डैडी से बात कर रही थी और उसका डैडी कोई और नहीं बल्कि वही हफ्सी हिरुकावा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत हॉस्पिटल में जिंदा है और उसकी ग्रैंड डॉटर से मिलने आई है। इधर टाइको भी हॉस्पिटल में होती है और हिरुकावा उसके पास बैठा होता है। टाइको के होश आने पर वो कहता है कि जो तुम चाहती थी वही हुआ, हमारा घर तूफान में ढह गया। तो टाइको हिरुकावा से कहती है आप कौन है। ये सुनकर हिरुकावा शॉक हो जाता है। टाइको के सर पर चोट लगने से शायद उसकी मेमोरी लॉस हो गई होगी और वो यही चाह रही थी। इसी के साथ एपिसोड 6 की यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। Fearless.